सेवकों में नैतिकता कैसी हो, यानी कि एथिक्स उनका कैसा हो, उनका आचार शास्त्र कैसा हो, तो मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, आपको मुख्य परीक्षा में लिखना है कि जो सेकेंड ARC है वीरप्पा मोइली उनकी अध्यक्षता में गठित जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है, उनकी जो चतुर्थ रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, शासन में जो नैतिकता है उसमें नैतिकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसके साथ अगर बात करें कि जो लोक सेवक है तो उनको क्या करना चाहिए, उनका जो इथिक्स है वो कैसा होना चाहिए, दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने, अगर राज्य रेफरेंस में बात करें तो जो आचार संहिता बना रखे हैं, जो आचार संहिता जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों के अनुरूप लोक सेविका के जो नियम है उनके अनुरूप उनको आचरण करना चाहिए। उनमें व्यावसायिक कार्यों के प्रति उत्तम सेवा जो एक्सीलेंसी है वो भाव होना चाहिए कि जो काम है मेरे निजी काम अलग है और सरकारी जो काम है वो अलग है, उनको आपस के अंदर किसी भी रूप के अंदर मिक्स नहीं किया जाएगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के जाति धर्म संप्रदाय के आधार पे काम करेंगे। उनका जो आचरण है वो तार्किक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वित्तीय जवाबदेही का बोध होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, व्यवहार के अंदर खुलापन होना चाहिए, भेदमूलक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ और अनाम रह करके काम करना चाहिए, निर्णय लेने के समय में उनको सोच होना चाहिए, जैसे गांधी जी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति उनके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए, और भावनात्मक जो समझ है वो उनमें बहुत अच्छी तरीके की होनी चाहिए। अगर संक्षेप में कहें तो लोक सेवकों आचरण नियमों के अनुरूप, सिविल सेवा के नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए, और जो जनता जनार्दन है उसके हित के लिए वो बैठे हैं, रूल्स रेगुलेशन के लिए, अंधे पालन के लिए वो नहीं बैठे हैं, ये भावना उनके मन में होनी चाहिए, यही लोक सेवकों की नैतिकता है। इसके साथ ही वो गलत कार्यों के अंदर जैसे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, रिश्वत, इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहे और सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी के साथ में अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।